साथियों नमस्कार। कनेर का नाम सुनते ही इसके लाल, पीले, श्वेत व गुलाबी रंग के सुंदर फूलों की छवि जहन में तैर जाती है। फूलों के पौधों की बात की जाए तो एकमात्र कनेर का पौधा ही ऐसा है जो हर प्रकार की मिट्टी में आसानी से पनप जाता है। इस पौधे में कोई रोग नहीं लगता है क्योंकि ये पौधा जड़ से लेकर फूल तक नीम के समान कड़वा होता है। एक वर्ष तक पानी मिल जाने पर ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। कनेर की रंग बिरंगे फूलों की अनेक किस्में होने वे कम रखरखाव के कारण इसे सजावटी पौधे के रूप में सड़कों के किनारे, डिवाइडर पर व सार्वजनिक स्थानों पर सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कटाई छंटाई के अभाव में ये पौधा नीरस व बेजान होकर अपनी चमक खो देता है। ये कटिंग वाला पौधा है। एक वर्ष में इसकी शाखाएँ पक जाती है। वे कटिंग के अभाव में इसमें नई शाखाओं का विकास नहीं होता है। अगर आप इस पौधे को सदैव हरा भरा वे फूलों से लदा हुआ देखना चाहते हैं तो वर्ष में एक बार मई या जून माह में इसकी सभी शाखाओं को मुख्य तने से एक फीट छोड़ते हुए काट दें। ये दृश्य राजस्थान के नागौर जिले में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ी कला का है, जिसने विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गौरवान्वित करने वाले नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कटिंग के दो माह बाद कनेर का पौधा पूर्ण रूप से घना होकर फूलों से भर जाता है। अगर आप अपने घर, मंदिर या विद्यालय को बगीचे का रूप देना चाहते हैं तो कनेर का चयन कर सकते हैं। इसकी 8 से 10 किस्में स्थानीय नर्सरी में मिल जाती है। कनेर को कटिंग से भी लगाया जा सकता है। अगर आप कृषि, बागवानी, प्रकृति प्रेम व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम सब मिलकर थार मरुस्थल को हरित के समृद्ध प्रदेश में बदलने का संकल्प पूरा कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।